दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब। यहाँ पर हर बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए 7696307219 पर संपर्क करें। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई राणा फास्ट फूड एंड स्वीट शॉप बरमाड। यहाँ पर हर प्रकार के बर्गर, समोसे, आलू टिक्की, नूडल, वेज सूप, चीज चिल्ली व हर प्रकार के किस्म की बढ़िया मिठाइयाँ भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7876257265। अधिक संपर्क करने के लिए 8219520537 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान को सार्थक करने के लिए सोलन जिला प्रशासन द्वारा जिला में साक्षरता वाहन को रवाना किया गया। एसडीएम सोलन अजय ने सोलन से आज इस वाहन को रवाना किया, जो कि जिला सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को डिजिटल माध्यमों बारे साक्षर करेगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल ग्रामीण साक्षर अभियान सार्थक हो सके। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए सोलन से अमर की रिपोर्ट। आज जिला सोलन में एक छोटी पहल की गई है डिजिटल साक्षरता को लेके। ये एक एनजीओ है हमारी, जो वोडाफोन कंपनी के माध्यम से अपना कार्य करती है। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, विशेषकर करके वित्तीय साक्षरता, जो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करना। इनका मेन मकसद है ग्रामीण इलाकों में जाके ग्रामीण लोगों को और जागरूक करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी हम आजकल ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, विशेष करके बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, कि ऑनलाइन बैंकिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एटीएम कार्ड का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ही उन योजनाओं को भी इसमें हमने शामिल किया है, जिसमें सारे कार्य आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म से होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इन सब के माध्यम से हम गांव-गांव में दूर तक, दूर दराज के इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही साथ इसमें हमने जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है उनको भी जोड़ा है। कॉमन सर्विस सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उनके क्या चार्ज हैं, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं बारे भी बताया जाएगा। केंद्र सरकार की वो सभी योजनाएं जिनके लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आवेदन करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वैसे सभी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।